नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ हमेशा यादव। आज से नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है, ऐसे में नवतेज टीवी आप सभी दर्शकों के लिए नवरात्र की खास पेशकश लेकर आया है। इस पेशकश में हम आप सभी को माता के नौ रूपों के बारे में और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है, इसी वजह से हर दिन किसी विशेष देवी देवता के रूप में उस दिन की मान्यता होती है और हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि का पर्व साल में दो बार मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि जिसे हिंदू धर्म का नववर्ष भी कहा जाता है, और अश्विनी महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है और इसका महत्व गरबे के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है जिनका अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में देवी की पूजा सबसे पहले की जाती है। माँ दुर्गा आदि शक्ति को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। शरद ऋतु की शुरुआत अश्विन महीने से होती है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और शारदीय नवरात्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नौ दिन तक माँ की आराधना करने के बाद दसवें दिन बुराई के प्रतीक रावण का अंत किया जाता है। यह त्यौहार माँ दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। नवरात्र के नौ दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है, इसी के साथ ही माँ दुर्गा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आइए जानते हैं नौ दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, वहीं आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और इसे दुर्गा अष्टमी पूजा भी कहा जाता है। नवरात्र के नौवें और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जिसे दुर्गा महानवमी की तरह भी मनाया जाता है। और अगर बात करें दसवें दिन की, तो इस दिन नवरात्रि पारणा होता है, दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, विजयादशमी। अब पहले दिन घट स्थापना होती है। शुभ मुहूर्त के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना सदैव अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि पर करना शुभ माना जाता है। इस बार 15 अक्टूबर को 11:38 से दोपहर 12:23 तक कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब घट स्थापना की विधि क्या रहेगी, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। घट स्थापना से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने मिट्टी की वेदी पर जौ को बोए कलश की स्थापना करें और गंगा जल रखें। इस पर कुल देवी की प्रतिमा या फिर लाल कपड़े में लिपटे नारियल को रखें। साथ ही दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें। यह भी ध्यान रखें कि कलश की जगह पर नौ दिन तक अखंड दीप जलता रहे। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आपको माँ शैलपुत्री के बारे में भी बताते हैं। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है और हिमालय को सांस्कृतिक भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी के अलीपुर क्षेत्र को माना जाता है। वहाँ माँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माता ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी बैल को कहा जाता है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ शैलपुत्री को सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का यह स्वरूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। इसीलिए नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री के पैरों में कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है, ऐसे में माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफ़ेद मिष्ठान और घी अर्पित किया जाता है।
इसके अलावा भी एक और कहानी माँ शैलपुत्री को लेकर प्रचलित है। माँ शैलपुत्री के रूप को लेकर यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब माता ने माँ पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया तब वह मनुष्य अवतार में थी। भगवान शिव के सामने दैवीय अवतार धारण करने और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी माना था। कहा जाता है कि माता का यही तपस्विनी रूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना गया। नवतेज टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।